हमारे छत्तीसगढ़ में एक माह पहले जनगणना ड्यूटी अभियान चल रही थी, जिसमें ग्राम मचांदूर में प्राथमिक शाला स्कूल है जिसमें दो शिक्षक है, और दो शिक्षक है उसमें से एक शिक्षक का जनगणना ड्यूटी एक माह से लगाई गई थी, जिससे काफ़ी बच्चों की पढ़ाई में प्रभावित हुआ है। आइए देखते हैं। मेरा नाम कुलदीप कुमार कुर्रे है और मैं प्राथमिक शाला मचांदूर में सन 2008 से पदस्थ हूँ, और इस संस्था में हम लोग दो ही टीचर हैं। और 2010 में मेरा प्रथम चरण में जनगणना ड्यूटी लगाया गया था, और द्वितीय चरण में 2011 में फरवरी में लगाया गया था, जिससे यहाँ शाला एक शिक्षकी शाला हो गया था और एक शिक्षक ही रहकर पढ़ाई संचालित किए, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। मेरा नाम कामनी है और मैं ग्राम मचांदी में पढ़ती हूँ, और मेरे सर का जब जनगणना ड्यूटी लगा तो मैडम अकेली हो गई थी, इसलिए विषय पूरा नहीं हो पाया और परीक्षा में भी दिक्कत हो गई थी। मेरा नाम संजय कुमार है, कक्षा पाँचवीं में पढ़ता हूँ। जब सर जनगणना ड्यूटी में लगे तो मैडम अकेली रह गई थी और अकेली अंजीमल देते थे, और हमारी पढ़ाई में दिक्कत आती थी और परीक्षा में। हमारे छत्तीसगढ़ में हर पालक हर बच्चा चाहता है कि शिक्षा बेहतर हो। शिक्षा बेहतर होना तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की भूमिका बनती है कि जब जनगणना ड्यूटी लगाई जाती है टीचरों की, उस समय वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही उनको करना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हो रहा है। मैं जैसे कि मेरा अगली बार जनगणना ड्यूटी में लगाया जाता है, तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों से चाहूँगा कि पहले कोई यहाँ स्कूल में वैकल्पिक टीचर की व्यवस्था करे, इसके पश्चात ही मेरा जनगणना ड्यूटी में लगाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और जब हम एक माह है और बच्चे की समस्या समझ सकते हैं कि एक माह से टीचर नहीं होगा स्कूल में तो पढ़ाई किस तरह से चलेगा। मैं सरकार से भी अपील करती हूं, और वीडियो वॉलंटियर्स में जितने लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी मैं श्रोताओं से अपील करती हूं कि जिला कार्यालय में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी बैठते हैं उनसे संपर्क करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।